हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी। मेरे यूट्यूब चैनल सोनी फूड स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरी तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी के इस मौके पर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, सिंपल और यूनिक रेसिपी, जिसको आप सिर्फ 10 मिनट में अपने घर में तैयार कर सकते हैं। ये रेसिपी बिना किसी मावा के, बिना कंडेंस मिल्क के और बिना किसी झंझट के बहुत ही इजीली तैयार हो जाती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किसी भी झंझट की कोई ज़रूरत नहीं है। घंटों हमें गैस के पास खड़े रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको हम बहुत ही जल्दी प्रिपेयर कर लेते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने गैस पर पैन रख दिया है और एक कप चीनी ली है। आप किसी भी कप को सेट कीजिए और उससे एक कप चीनी ले लीजिए और उसी कप से हमें 3/4 कप पानी लेना है और इसकी एक चाशनी तैयार करनी है। चीनी को मिला लेते हैं। उबाल आने के बाद अगर आपको लगे कि हमारी चाशनी साफ़ नहीं है तो आप 2-3 चम्मच इसमें दूध डालकर उसको साफ़ कर सकते हैं। इसमें गंदे गंदे झाग आ जाएं किनारों पे और उसको आप निकाल लीजिए। चाशनी को हमें गाढ़ा बिल्कुल नहीं करना है, इसको हमें थोड़ा पतला ही रखना है। देखिए ऐसी चिपचिपी हमारी चाशनी होनी चाहिए। चाशनी में उबाल आने के बाद हमें लो फ्लेम पर इसको 3-4 मिनट के लिए और पकाना है ताकि ये पहले से थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। अब उसी कप से मैंने 2 कप मिल्क पाउडर लिया है। ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अब मिल्क पाउडर को हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हमें ऐड करना है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं। चलिए मिल्क पाउडर को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं चाशनी में। धीरे धीरे चलाते हुए हमें इसको मिक्स करना है। अगर कोई गुठली पड़े तो हमें उसको अच्छे से ऐसे मिक्स कर देना है। देखिए सारा मिल्क पाउडर हमने चाशनी में मिक्स कर लिया है और ये जैसे जैसे पकेगा तो अपने आप ही गाढ़ा होता चला जाएगा। त्योहारों का सीजन चल रहा है और मिठाई तो घर में आती ही है। सबके घर में पसंद करते हैं मिठाई को, तो क्यों हम बाहर से खरीदें, क्यों ना हम अपने घर में ही बनाएं मिठाई, जो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए बहुत ही सेफ भी रहेगी और हेल्दी भी रहेगी। बाजार से हमें जो मिठाई मिलती है उसमें हमें पता नहीं वो क्या डालते हैं। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच देसी घी के ऐड करूंगी। मिठाई हो और घी ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने 2 चम्मच यहाँ घी अच्छे से मिक्स कर दिया है। देखिए घी हमने इसलिए ऐड किया है, इससे एक शाइनिंग भी आएगी और एक टेस्ट भी आएगा। मिठाई में घी से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये नीचे भी नहीं लगेगा। देखिए ऐसे हमें घी को मिक्स कर देना है। जैसे जैसे ये पकेगा ये गाढ़ा होता चला जाएगा। देखिए मिक्सर हमारा पहले से गाढ़ा हो गया है। अब इसको चलाते हुए हमें 3-4 मिनट हो गए हैं। अब इसी स्टेज पर मैं इसमें 2-3 पिंच फूड कलर के ऐड करूंगी। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको अच्छा लगे तो ही डालना, नहीं तो इसको स्किप कर देना। और आप फूड कलर की जगह यहाँ केसर के स्ट्रैंड्स भी डाल सकते हैं। उसको बस गुनगुने दूध में भिगोइए और इसमें मिक्स कर दीजिए। बस उससे हमारा मिक्सर में अच्छे से कलर भी आएगा, खुशबू भी आएगी और टेस्ट भी इन्हेंस होगा। तो चलिए मैंने यहाँ फूड कलर ऐड किया है। फूड कलर मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। अब मैं 1 छोटी चम्मच इसमें इलायची पाउडर मिक्स करूँगी। आप इलायची पाउडर की जगह केवड़ा एसेंस या फिर गुलाब जल या कोई भी खुशबू की चीज़ जो आपको अच्छी लगे आप इसमें डाल सकते हैं। अगर आपने केसर के स्ट्रैंड्स डाले हैं इसमें तो आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये धीरे धीरे पैन छोड़ने लगेगा, जैसे जैसे पकेगा ये पैन को छोड़ने लगेगा। अगर आपको लगे कि यहाँ चिपचिपा हमारा मिक्सर है तो आप इसमें 1-2 चम्मच घी के ऐड कर सकते हैं।
और इसको हमें अब बस 1 से 2 मिनट के लिए और पकाना है। तो चलिए इसको हमने पका लिया है, अब गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और थोड़ा 1 से 2 मिनट और चलाएंगे, क्योंकि हमारा पैन बिल्कुल गर्म है और इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। देखिए मैंने मिक्सर को ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया है, ये पहले से थोड़ा ठंडा हो गया है, पूरी तरह से हमें ठंडा बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ मैंने एक प्लास्टिक शीट ली है, आप कोई भी फॉइल पेपर ले सकते हैं या बटर पेपर ले सकते हैं या आप कोई भी चीज़ हो उस पर जो बिल्कुल एक जैसी हो, तो उस पर आप इस मिक्सर को रख सकते हैं। मैंने प्लास्टिक शीट को अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है, यहाँ हमने 1 से 1.5 चम्मच घी लग गया है। मिक्सर को अब हम इस पर निकाल लेंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अगर हम मिक्सर को पूरी तरह से ठंडा करेंगे तो ये फ्लावर बनने में बहुत मुश्किल होगा। अब हाथों पर घी लगाकर हम इस मिक्सर को चिकना कर लेंगे, ऐसे मसल मसल के। ऐसे ही हमें इसको हल्का सा ठंडा कर लेना है। अब हाथों की सहायता से ही हमें इसको फैला लेना है, ये हाथों की सहायता से ही बहुत अच्छे से फैल जाएगा। आप इसको बेलन की सहायता से भी फैला सकते हैं, देखिए ऐसे ही बिल्कुल। चलिए मैं बेलन से इसको एक जैसा कर लेती हूँ, ये सभी जगह से एक जैसा होना चाहिए, कहीं से मोटा कहीं से पतला बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कहीं से मोटा है या पतला है तो आप इसको हाथों की सहायता से अच्छे से इसको ठीक कर सकते हैं। चलिए इसको बेल लेते हैं अच्छे से। हमें इतना ही रखना है। देखिए अब मैं एक गिलास की सहायता से इसके पीसेस कट करूंगी, आप कोई भी कुकी कटर ले सकते हैं या आपके पास कोई भी मोल्ड हो ऐसा तो आप वो ले सकते हैं और इसके पीसेस कर सकते हैं। ऐसे देखिए ऐसे हमें इसके पीस कट कर लेने हैं। चलिए इसको भी निकाल लेंगे और ऐसे ही हमें सारे पीसेस कट कर लेने हैं और बाकी बचे डो को हम एक बार फिर से बेलन की सहायता से या हाथ की सहायता से उसको बेल लेंगे और फिर उसके पीसेस कट कर लेंगे। सारे पीस मैंने कट कर लिए हैं, अब एक पीस में से हम 4 पार्ट करेंगे, यानी कि हमें एक पीस में से 4 पार्ट करने हैं, बिल्कुल इक्वल साइज के होने चाहिए। ऐसे बिल्कुल बहुत ही आसानी से ये कट जाएंगे। देखिए एक और उठाएंगे और इसके सेम साइज के 4 पार्ट कर लेंगे। अभी भी मिक्सर हमारा हल्का सा गर्म है, अगर ये ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो बिल्कुल भी शेप नहीं लेगा, फ्लावर हमारे बनेंगे नहीं। चलिए सारे पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, अब इनको हमें एक दूसरे के ऊपर ऐसे लगाकर सेट कर लेना है, ऐसे जैसे मैं लगा रही हूँ बिल्कुल ऐसे। और जो ये बीच वाला किनारा दिख रहा है, ये बीच वाला जो कॉर्नर दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल एक सीध में होना चाहिए, आगे पीछे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऐसे देख लो, ऐसे ही इसके हमें 12 पीसेस लगाने हैं। 12 पीसेस में हमारे कम से कम 2 फ्लावर हमारे बनकर रेडी हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ स्टिक ली है, आप कोई भी चीज़ लीजिए और जो ये बीच वाला कॉर्नर है इस पे रख के हमें इसको दबा देना है, जिससे इसमें एक लाइन बन जाएगी। बिल्कुल ऐसे इसको उठाएंगे, धीरे धीरे हमें ये करना है। अब एक साइड से ऐसे फोल्ड करते हुए हमें
देखिए ऐसे ऐसे फोल्ड करते हुए हमें दूसरी साइड जाना है और फिर इसको रोल करते हुए हमें जहां हमने स्टिक लगाई है वहीं से हम इसको चाकू की सहायता से काट लेंगे। ये बिल्कुल सावधानी से करना है, ये बहुत आसानी से हो जाएगा, बस थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ ऐसे बिल्कुल आराम से इसको काटना है। तो चलिए फ्लावर को मैंने कट कर लिया है, अब जो इसकी पत्तियां हैं इसको हम ऐसे खोल देंगे जिससे इसकी शेप अच्छे से आ जाए। देखिए बन गया हमारा फ्लावर, वाओ कितना सुंदर फ्लावर बनकर हमारा रेडी हुआ है। ऐसे ही हम सारे फ्लावर बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए ये भी बन गया है, सारे फ्लावर तैयार कर लिए हैं। देखिए देखने में ये कितने सुंदर लग रहे हैं और बिल्कुल बहुत ही सिंपल रेसिपी है। 10 से 15 मिनट में हमने इसको बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसको मार्केट वाला लुक दूंगी, उसके लिए मैंने यहाँ फूड कलर लिया है और एक ब्रश लिया है। फूड कलर यहाँ बिल्कुल ऑप्शनल है, आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं बिना किसी कलर के ही, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। तो चलिए मैं इसको मार्केट वाला लुक दूंगी। इसकी पत्तियों का जो किनारे हैं बस उस पे ही हमें कलर करना है, अंदर की तरफ बिल्कुल नहीं कलर करना है, ऐसे बिल्कुल पत्तियों के किनारों पर ही हमें ब्रश से कलर कर देना है ऐसे। और सारे फ्लावर हम ऐसे ही कलर करके तैयार कर लेंगे। फूड कलर अगर आपको अच्छा लगे तो ही यूज करना, नहीं तो स्किप कर देना। फ्लावर बना के हमने रेडी कर लिया है, देखिए ये बस देखने में बहुत सुंदर लगेगा इसलिए मैंने कलर किया है। देखिए लग रहा है ना बहुत ही सुंदर, बिल्कुल मार्केट स्टाइल का। सारे फ्लावर हमने कलर करके अच्छे से उनको तैयार कर लिया है, देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और ये खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। यहाँ मैंने पिस्ता के टुकड़े से थोड़ा गार्निश किया है, आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। वाओ इट्स लुक लाइक सो ब्यूटीफुल, लग रहे हैं ना बिल्कुल सुंदर। तो चलिए आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिए। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुँच जाए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप इसको बनाइए, खाइए और अपने फैमिली को खुश कीजिए। हैप्पी जन्माष्टमी वंस अगेन, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।